क्रिकेट के दुनिया की बात करी जाए तो ऐसा बताया जाता है कि अगर सचिन और विराट कोहली का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो है शुभमन गिल। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस अंदाज से शुभमन गिल खेल रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि शुभमन अपने पीछे कोई भी रिकॉर्ड छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल के बारे में कि कैसे उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में पैर रखा और कैसे उन्होंने ये ठान लिया कि वो क्रिकेट के भगवान सचिन और किंग कोहली के रिकॉर्ड्स को टक्कर देने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 में पंजाब के चाक खेरावाला गांव में हुआ। उनके पिता का नाम लखविंदर सिंह है, जो एक किसान है। अपने पिता खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं होने के कारण उनका सपना सपना ही रह गया। लेकिन अपना सपना टूटते हुए देख अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का ठान लिया। शुभमन को अपने पिता ने बचपन से ही जितनी हो सके उतनी अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी। शुभमन ने बताया है कि उनके पिता उनके पहले कोच बने। अपने गांव चाक खेरावाला में क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी नहीं होने के कारण उनके पिता शुभमन के लिए मोहाली में शिफ्ट हो गए। अपने पिता ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सामने एक घर किराए पर ले लिया और उसी ग्राउंड में अपने बेटे को प्रैक्टिस करवाया करते थे। 9 साल की उम्र में शुभमन ने अपना पहला लोकल मैच जीता। शुभमन पहले से ही क्रिकेट के प्रति काफी हार्ड वर्किंग थे। हार्ड वर्क और टैलेंट ने शुभमन को नई दिशा दिखाई और आगे लेके गए। शुभमन ने मोहाली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां कोच सुखविंदर सिंह टिंकू के अंडर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। उसके बाद उनको पंजाब अंडर 16 टीम में सिलेक्ट किया गया और साल 2011 में अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मैच में 300 रन बनाए और 2013-14 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 7 मैचों में 734 रन बनाए और 2015 में शुभमन ने पंजाब की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट किया गया। 2015-16 ध्रुव पांडे ट्रॉफी में शुभमन ने 3 मैचों में 415 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक बनाया। 2016 में उनको इंडिया की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट किया गया। अंडर 19 एशिया कप में गिल ने 2 मैच में 148 रन बनाए। उनके शानदार परफॉर्मेंस के कारण 25 फरवरी 2017 में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया और उसी साल उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और बंगाल के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़ दिया। और 2018 में शुभमन को अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ वाइस कैप्टन चुना गया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया और उसी साल इंडियन टीम वर्ल्ड कप का खिताब जीती थी और शुभमन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। उसके बाद केकेआर ने शुभमन गिल को 1,80,00,000 में खरीदा। शुभमन हर डोमेस्टिक में अच्छा और शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे और उनके इस परफॉर्मेंस को देखकर 31 जनवरी 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया और एमएस धोनी से उनको ओडीआई कैप भी मिली और 26 दिसंबर 2020 को अपना टेस्ट डेब्यू किया। और दोस्तों, फिलहाल शुभमन गिल भारत के लिए 2023 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और आज की तारीख में शुभमन गिल ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है। शुभमन गिल जिस हिसाब से खेल रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि वो क्रिकेट के कहीं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी थी शुभमन गिल की कि कैसे शुभमन गिल ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। दोस्तों, आज की तारीख में शुभमन गिल जो हैं वो बाबर आजम को पीछे छोड़कर नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।